हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ शीन हॉल, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, और कोई पीआर पैकेजेस मेरे पास नहीं आए हैं कि मुझे ज़बरदस्ती तारीफ करनी पड़ेगी इन सब सामान की। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, पूरा रिव्यू, ऑनेस्टली मैं आपको जितने भी कपड़े हैं, एक्सेसरीज जो मैंने मंगाई है, उनके बारे में सब कुछ सच बताऊंगी कि ये वर्थ करता है कि नहीं। और देखिए, शीन का ना मुझे कुछ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बतानी है कि जब मैंने ऑर्डर प्लेस करा था तो मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट करी थी, और वहाँ पर एक और ऑप्शन था इंश्योरेंस का, डैट वॉज फॉर 30 or 40 rupees, ताकि आपका सामान सिक्योर रहे। तो मैंने वो भी पे कर दिया था, और सामान एक हफ्ते के अंदर ही मेरे पास आ गया था। दो पैकेजेस में आया था, तो एक छोटा पैकेज था जिसमें मेरी एक्सेसरीज और एक टॉप आया था, और मैंने 5-6 टॉप लिए थे, तो बाकी के टॉप इसमें आए थे और बाकी की एक्सेसरीज भी इसमें थी। ठीक है, तो ये दो पैकेजेस में सामान आ गया था। तो पहला वाला पैकेज आ गया था मेरे ख्याल से तकरीबन 4-5 दिन में ही, और दूसरा पैकेज भी फिर 2 दिन के बाद आ गया था, तो मुझे पेमेंट में, डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये सारे टॉप्स हैं जो कि मेरे हाथ में आ गए, सारे के सारे टॉप, क्योंकि क्रॉप टॉप है, और कुछ एक्सेसरीज है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ये जो टॉप है ना, सबसे पहले मेरे पास ये वाइट वाला है क्रॉप टॉप, और मैंने पता ये क्यों खरीदे, क्योंकि ना काफ़ी सस्ते थे, इनका प्राइस अराउंड 300-350 rupees था, 400 rupees था, तो मुझे इतना पैसा नहीं लगाना था टॉप्स पे, क्योंकि मुझे डाउट था कि अच्छा होगा कि नहीं होगा। फिर इतना महंगा भी ना, मतलब ऑनलाइन शीन पे खरीदना मुझे वर्थ नहीं लगता है, तो जो सस्ते सस्ते आइटम थे मैंने वही खरीदे हैं। तो ये जो टॉप है ना, ये भी अराउंड 300-350 rupees का था, और इसका फिट काफ़ी अच्छा आया है मुझे। साइज़ है इसका एक्स्ट्रा स्मॉल, और फैब्रिक पॉलिएस्टर है, तो फिट आप देख ही सकते हो कि कैसा है। तो अगर आप कुछ ऐसा पहनना पसंद करते हो, हालांकि आप इसे पहनकर वैसे रोड पे या कॉलेज पे तो नहीं जा सकते, या अगर आप कहीं पार्टी में जा रहे हो या इवेंट में जा रहे हो, जो कि मुझे जाना होता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और साइज़ ना इसका, मैंने एक चीज़ देखा शीन पे कि एक्स्ट्रा स्मॉल में कई सारे टॉप्स में लिखा हुआ था 28 बस साइज़, 29, पर मेरा बस साइज़ है 32D, तो मैंने तब भी एक्स्ट्रा स्मॉल ही लिया, क्योंकि मुझे डाउट था कि मुझे स्मॉल मीडियम लूज हो सकता है, तो जितने भी टॉप्स हैं मैंने साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल के ही लिए हैं। तो आप अपने बॉडी साइज़ के हिसाब से देख लेना, क्योंकि अगर मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है तो उस हिसाब से, अगर मुझसे भी जो पतले हैं तो शायद उनको फिटिंग करवाना। फिर दूसरा टॉप है मेरे पास ये पर्पल, और ये भी काफ़ी सिमिलर है जो वाइट वाला मैंने आपको दिखाया था, उसी का ये दूसरा कलर है, पर फैब्रिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सैटिन में, इस पर ना थोड़ी सी शाइन आ रही है, तो इसमें ये आप देखेंगे काफ़ी शाइनिंग मटेरियल है इसका, और फिट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, और ये भी मैंने आपको बता ही दिया है कि साइज़ सारे एक्स्ट्रा स्मॉल है। और एक और चीज़ कि इसका प्राइस भी ना अराउंड 400 था, तो इस टाइप के टॉप फॉरएवर 21 H&M पे आपको 1200 या फिर 1500 के मिलेंगे, तो कंपेरेटिवली बहुत ही सस्ता। आपको अगर कुछ ऐसा क्रॉप टॉप लेना है तो आपको शीन पे बहुत बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट आई हैव दिस गंजी टॉप, और इसका भी साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है, फिट मुझे काफ़ी अच्छा आया है, नियॉन ग्रीन कलर है, तो नियॉन ग्रीन भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मैं विंटर्स में पहनूँ ना जैकेट के साथ, क्योंकि सब कुछ ब्लैक, ग्रे, ब्लू हो जाता है विंटर्स में, तो अगर आप इसको अंदर पहनो, इसके ऊपर जैकेट पहनो, तो कुछ थोड़ा सा ना कलर आ जाएगा आपके आउटफिट में। और इसका भी प्राइस मेरे ख्याल से बहुत कम था, अराउंड 400 या 500 rupees, और इसका फैब्रिक अच्छा है, दिस इज़ कॉटन, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि शीन वाले अब कॉटन और रेयन फैब्रिक भी रख रहे हैं। सो नेक्स्ट आई हैव दिस कटआउट टॉप, और ऐसे मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रैपलेस है, और ये ना बॉडी सूट की तरह है, जैसे आपका स्विम सूट होता है, तो उस टाइप से है ये, ताकि ये अंदर ही टिका रहे, बाहर ना निकले टॉप, और इसे जब आप पहनते हो ना तो यहाँ पे ये कट आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, पर थोड़ा सा मेरा पेट अभी और ठीक हो जाएगा ना तो और बेटर लगेगा। मैंने वीडियो में ना थोड़ा अंदर कर लिया, बाहर निकला हुआ है मेरा पेट, पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था पहनने पर। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आप फ्लॉन्ट कर सकते हो अपने एब्स या फिर फ्लैट स्टमक, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये, और कलर भी बहुत प्रिटी है। और मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था इसका, मैं सोच रही थी कि कैंसिल कर देती हूँ,
पर अच्छा ही निकला ये भी और इसका फैब्रिक भी अच्छा है. दिस इज रेयॉन. सो नेक्स्ट आई हैव दिस बेज टॉप और ये ना बैकलेस है तो पीछे डोरियां लगी हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा था ये पहनने पर. फिट भी बहुत अच्छा है. फैब्रिक इज ऑल्सो रियली नाइस. दिस इज अगेन कॉटन. तो इस बार फैब्रिक मुझे काफ़ी अच्छे मिल गए हैं टॉप्स में और नीचे से थोड़ा सा ये मुझे अजीब लग रहा था पर वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने डोरी ठीक से बांधी नहीं थी और पीछे से भी क्योंकि मैंने खुद पहना था. शायद इसे पहनने के लिए पीछे से आपको किसी की हेल्प चाहिए होगी एडजस्ट करने के लिए, वरना ये टॉप भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी कम है और बिल्कुल वर्थ करता है. तो टॉप्स में ये मेरे पास लास्ट है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ना इसका प्राइस बहुत कम है, अराउंड 300 या 400 रुपीस. फिटिंग भी आप देखो बहुत अच्छी फिटिंग आई है. वन शोल्डर ये चेक में, इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत अच्छा है. तो इस बार जितने भी मैंने कपड़े लिए ना, जितने भी टॉप है, बिल्कुल वर्थ करते हैं और फैब्रिक भी कुछ टॉप का मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो टॉप आपको दिखते हैं ना ये क्रॉप टॉप फॉरएवर 21 H&M पे, तो वो वाले टॉप्स आप ट्राई कर सकते हो. बाकी जो और भी ड्रेसेस है, जीन्स है, तो वो पता नहीं, मैं अभी बोल नहीं सकती क्योंकि मैंने दोबारा वहाँ से शॉपिंग इतनी नहीं करी है. तो ये जो टॉप्स खरीदे हैं तो उसके लिए तो पूरा थम्स अप. और अब मैं आपको जो एक्सेसरीज मैंने लिए है वो दिखा दूँ. तो सबसे पहले मेरे पास ये ग्राइंडस्टोन ईयरिंग्स हैं और आप देखो ये कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं. ये आप अपने इंडियन आउटफिट पे पहन सकते हो, वेस्टर्न पे पहन सकते हो, जैसे आप किसी इवेंट पे जा रहे हो. बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी फिनिशिंग मिल जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो ऑनलाइन एक्सेसरीज लेते हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, पर ये इतने कम प्राइस में ना इतने अच्छे ईयरिंग्स मिल गए. और मैंने ऐसे ही सिमिलर ज़ारा पे देखे थे 2000 के, तो ये अराउंड 200 या 300 रुपीज़ के थे. प्राइस मैं सबके मेंशन कर दूँगी यहाँ पे, आप प्राइस चेक कर लेना. तो यार ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. फिर नेक्स्ट मेरे पास ये हेयर पिंस है और ये सेट था इसका और इसके अंदर टोटल 4 हेयर पिंस है. जो आजकल पर्ल्स वाली चल रही है ना, तो ये वो है. मैं आपको लगा के दिखाती हूँ. वाले क्लिप्स बहुत चल रहे हैं ना और ये पता है ज़ारा पे बहुत महंगे हैं. मैंने देखा है ज़ारा पे, H&M पे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है. मतलब H&M पे मैंने देखे थे तो 2 का प्राइस ही था 700 रुपीज़ और ज़ारा पे तो बाप रे, इसके ना थोड़ा सा चुभने वाली क्वालिटी है. पर ज़ारा पे ये मिल रहे थे अराउंड 1200-1500 के, स्टार्टिंग प्राइस ही था 1000 रुपये से. सो बहुत महंगे मिल रहे थे और ये ना शीन पे काफ़ी सस्ते मिले, अराउंड कह लो कितने के थे ये, 175 के थे शायद. तो प्राइसेस ना चेक कर ले, मैंने सारे इधर ही लगा लिए. दिस इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल और ये वैसे मैंने ठीक से लगाए नहीं है, तो कुछ ऐसे मैंने लगाया, उस चीज़ को इग्नोर करके आप क्लिप्स पे फोकस करो कितने अच्छे लग रहे हैं. और इस पैकेट में एक और ये क्लिप्स है, तो ये भी सेट है और इस पर ना लिखा हुआ है कुछ, मैं आपको दिखाती हूँ. 2 क्लिप्स है और एक पे लिखा हुआ है सेक्सी और एक पे लिखा हुआ है गर्ल. तो मैं ये यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ. लगाने में ना बड़ा दर्द होता है, मैंने पर लिए क्यों है मुझे पता है, मैं एक भी दिन नहीं लगाऊंगी, पर मेरे पास इतनी सारी हेयर एक्सेसरीज हो गई है ना. तो ये कुछ ऐसे है, पूरी अभी लग रहा है मैं गहनों की दुकान बनने वाली. मेरी एक गैंगस्टर वाली चेन चल रही है ना आजकल, तो ये भी मैंने ज़ारा पे 2000 की देखी थी, पर शीन पे ये मेरे पास ये 175 की थी. बहुत बहुत ज़्यादा सस्ती, मतलब हाफ प्राइस भी आप नहीं बोल सकते, हाफ कभी हाफ कभी हाफ. तो ये कुछ ऐसी है. ये वाली चेन ना मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और आपको लग रहा होगा कि बहुत ही हैवी होगी, तो इतनी हैवी भी नहीं है ये. तो अभी ज़ारा पर भी आ चुकी है, लास्ट मंथ तो नहीं थी वहाँ पर मैं क्यों खरीदूँ 2000 रुपये की चेन जब मुझे यहाँ पर 175 की मिल रही है. ये भी पहन लेती हूँ, सारे ज्वेलरी आज ही मैं पहन लेती हूँ. सो आई हैव मोर क्लिप्स और ये भी सेट है और इसमें टोटल मेरे ख्याल से 4 क्लिप्स हैं, 4 या 5 क्लिप्स हैं इसके अंदर, जो कि मुझे पता है मैं कभी नहीं पहनने वाली हूँ इस वीडियो के बाद, पर बहुत कम पहनूंगी. पता है मैं, मेरे पास बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज है, पता नहीं मुझे एक क्रेज़ है कि हेयर एक्सेसरीज कलेक्ट करने का. तो मेरे पास बहुत सारी हेयर एक्सेसरीज है, मैंने आपको अपनी और भी वीडियोस में दिखाई होगी, फिर आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा, मेरे इंस्टाग्राम पे भी नहीं देखा होगा कि मैंने कहीं पर लगा रखा है, कहीं वो क्लिप है या नहीं. तो इस वाले पैकेट के अंदर ना 3 क्लिप्स थी, नहीं 4 है टोटल. तो एक ऐसी है,
इस पे पूरे पर्ल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे एक ये स्टार है और इस पे लिखा हुआ है किस और ये कुछ ऐसा है। इस पे पर्ल्स लगे हुए हैं और कितनी लाइंस है, 1, 2, 3 इसकी लाइंस है पर्ल की। तो पिक्चर मैं सबकी इंसर्ट कर दूंगी ताकि आप देख ले, या अगर नहीं भी होगा तो लिंक तो मैं प्रोवाइड कर ही दूंगी। ये भी ज़रा मैं लगा ही लेती हूँ, इतनी सारी क्लिप्स मैंने लगा ली है तो। इस पैकेट में से और क्लिप्स निकली है, ये मल्टी कलर स्टोन्स वाली है और इसमें कुछ पर्ल्स है। तो ये 2 है यहाँ पर और मेरे सर पे ना बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं कहाँ पे लगाऊँ को। फिर भी हम कोशिश करेंगे कहीं बीच में से एडजस्ट करने की। कि देखो आज मैं वीडियो में ये दिखा दूँगी, उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है, मुझे काफ़ी कम चांसेस लग रहे हैं कि मैं इन क्लिप्स को यूज़ करूँगी। तो आज ही लगा कर जितना मेरा शौक है उसे मैं पूरा कर लेती हूँ। यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ इसे लगाऊँ। फिर इसके बाद मेरे पास कुछ और भी क्लिप्स हैं, तो इसमें 3 क्लिप्स हैं। एक पे लिखा हुआ है लव और यहाँ पे ये मल्टी कलर स्टोन्स वाले क्लिप्स है ये, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और पता है मेरे बालों में सही में जगह नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, मैं इसे कहाँ लगाऊँ। बस एक ही तरीका हो सकता है कि मुझे इसे आगे लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ लव और लव वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये तो लेना बनता ही था। बट देर इज़ नो स्पेस नाउ, कहाँ लगाऊँ, उधर लगा देती हूँ। एंड दिस इज़ द लास्ट क्लिप। ये सिंगल पीस था और ऐसा ना था नहीं किसी में भी, मतलब जो ये सेट थे तो मैंने ये सिंगल पीस ले लिया। और ये मैं कहाँ लगाऊँ इसको, लगा लेती हूँ, वैसे दिखेगी नहीं पर कोई बात नहीं। इसको कैसे छोड़ दूँ मैं, सबको लगा लिया तो इसको बुरा लग जाएगा, पर पता नहीं ये लग नहीं रही है क्योंकि ये ना इस टाइप की है। ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बाल मोटे हैं ना तो ये इस तरीके से निकलती है। यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट हो गई है ये और मैं एकदम अभी ऐसे लग रही हूँ कि मैं कौन सी फिल्म आई थी वो, मोहिंजदारो में से मैं निकल के आ रही हूँ, हड़प्पा मोहिंजदारो सिविलाइजेशन से। पर उसमें ऐसा कुछ था नहीं जो आपने मूवी में देखा था। सो दिस टाइम माई एक्सपीरियंस विद शीन वॉज रियली गुड, क्योंकि मुझे सारा सामान बहुत ज़्यादा पसंद आया। और देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पीआर पैकेजेस आए हैं या स्पॉन्सर्ड वीडियो है, अगर पीआर पैकेजेस होते तो मेरे ख्याल से वो कार्टन में आते हैं, जो कि मुझे कभी भी नहीं आया है। तो सारा पेमेंट मैंने खुद ही करा है, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैं अपना बैंक में जो डेबिट हुआ होगा ना जो एग्जैक्ट अमाउंट है, तो मैं स्क्रीनशॉट वैसे तो पेड का यहाँ पे लगा ही रही हूँ, बैंक का भी लगा दूंगी तो देख लेना। पर मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे सारा सामान इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जितने भी टॉप्स है बहुत अच्छी फिटिंग आई है। मेरा साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है तो आप अपने साइज़ के हिसाब से देख लेना कि आपकी बॉडी कैसी है, आपको कौन सा साइज़ आएगा, क्योंकि वहाँ पे 28 लिखा हुआ है पर मेरा 32 बस साइज़ है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है साइज़ का, तो एक्स्ट्रा स्मॉल मेरा साइज़ है। और एक्सेसरीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जस्ट लुक एट देम, दीज आर सो ब्यूटिफुल और इतने सस्ते हैं ये। ज़ारा H&M पे आप देखेंगे तो इतने एक्सपेंसिव ये मिलेंगे और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। अब मैं इन्हें पक्का पहनूंगी, मुझे अब इन पर ना तरस आ रहा है कि अगर मैं इन्हें नहीं पहनूंगी ना तो इनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। तो बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ है, अगर आप कपड़े नहीं भी लेना चाहते हैं ना तो एक्सेसरीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। और वीडियो पसंद आई होगी ना तो उसको लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके आप अपने कोई डाउट्स क्वेश्चंस जो भी है आप पूछ सकते हैं, और मुझे बताना कि आपको कौन से आइटम सबसे ज़्यादा पसंद आए। मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मैं जाती हूँ, जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।